गोरखनाथ मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में स्थित है। यह मंदिर बाबा गोरखनाथ को समर्पित है और इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम गोरखपुर पड़ा है। यह मंदिर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में एक मंदिर माना जाता है। गोरखनाथ मंदिर के वर्तमान महंत श्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारी चैनल आरसी यात्रा में स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल शाम नौका विहार घूमने के बाद अगले दिन आ गए हम लोग गोरखपुर की धरोहर, संस्कृति और शान, जिससे है गोरखपुर की पहचान गोरखनाथ मंदिर में। शिव शक्ति, शिव अवतार महायोगी भगवान श्री गोरखनाथ की पावन साधना स्थली में आपके शुभ आगमन का हार्दिक स्वागत एवं शुभ आशीर्वाद। भगवान श्री गोरखनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। श्री गोरखनाथ मंदिर नाथ परंपरा में एक नाथ मठवासी मंदिर है। मध्यकालीन संत गोरक्षनाथ के नाम पर इस मंदिर का नाम गोरखनाथ रखा गया है। एक योगी जिन्होंने पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की और कई ग्रंथों को लिखा, जो नाथ संप्रदाय का हिस्सा है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ परंपरा की स्थापना की। गोरखनाथ मंदिर विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों की मेजबानी करता है और शहर के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। गोरखपुर का नाम नाथ संप्रदाय के संत गोरक्षनाथ के नाम पर रखा गया है। उनके सम्मान में गोरखनाथ मंदिर नामक एक तीर्थ स्थल का निर्माण किया गया था, जहां उन्होंने अपनी साधना की थी। वर्तमान में इस मंदिर के पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। 52 एकड़ में फैला गोरखनाथ मंदिर का परिसर नाथ योगियों का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ योग, साधना और तपस्या सिखाई जाती है। मंदिर के भीतर श्री गोरखनाथ की संगमरमर की प्रतिमा स्थापित है और मंदिर के बाहर श्री शीतला माता, स्थान भैरवनाथ, श्री शिव मंदिर, श्री दुर्गा जी मंदिर और इससे थोड़ा और आगे जाने पर ऋषियों, मुनियों, साधु संतों, देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं।
मुगल काल के दौरान मंदिर को कई बार तोड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान ढांचे का निर्माण 19वीं सदी में महंत दिग्विजयनाथ और अवेधनाथ ने करवाया था। मुख्य मंदिर के बाएं तरफ एक और मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसमें बहुत सी हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी गई हैं। इस मंदिर के ठीक सामने पूजा, हवन, यज्ञ के लिए यज्ञ स्थल भी बनाया गया है। इस मंदिर में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर बाबा गोरखनाथ को प्रसाद के रूप में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इस दौरान यूपी, बिहार, नेपाल समेत कई राज्यों से लाखों भक्त यहाँ आते हैं खिचड़ी चढ़ाने के लिए। खिचड़ी चढ़ाने की यह परंपरा काफ़ी पुरानी है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक त्रेता युग में गुरु श्री गोरखनाथ हिमाचल के कांगड़ा में स्थित ज्वाला देवी मंदिर गए थे। यहाँ ज्वाला देवी ने उन्हें दर्शन देते हुए भोज पर आमंत्रित किया। कई प्रकार के व्यंजन देख गोरखनाथ ने ज्वाला देवी से कहा कि वो भिक्षा में मिले चावल दाल ही खाते हैं। इसके बाद देवी ने उनसे कहा कि वो भिक्षा में दाल चावल लेकर आए। इसके बाद गोरखनाथ ने भिक्षाटन करते हुए राप्ती और रोहिणी नदी के पास पहुँचे और यहाँ साधना में लीन हो गए। जब वो साधना में लीन थे तो लोग उनके पात्र में चावल और दाल डालते थे, लेकिन उनका पात्र नहीं भरता था। तब से गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा है। मंदिर के पीछे की तरफ महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन बना हुआ है। भवन के अंदर अनेक प्रकार के देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, कवि महंतों, साधु संतों, महापुरुषों की प्रतिमाएं रखी गई हैं और उनके बारे में भी लिखा गया है। यह सब नज़ारा देखने में बहुत ही अच्छा लगता है।
मंदिर के परिसर में एक बहुत ही प्यारा सा टोकरा भी बना हुआ है, जिसमें लोग वोटिंग भी करते हैं। तो दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर के बारे में लगभग सारी जानकारियां बता दी हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।